वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस, मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ स्विंग स्टॉक्स के साथ जिनको हम नेक्स्ट वीक के लिए अपने रडार पे रख सकते हैं। और साथ ही साथ पहले हम वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जिसको मैंने पिछले वीक डिस्कस किया था। ठीक है, जो भी हम स्टॉक्स देखते हैं उनका कुछ चार्ट पैटर्न होता है, उसी बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक उनमें कुछ मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पिछले वीक जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो जो सबसे पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो था पूर्वांकरा का। तो पूर्वांकरा में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे जब इस पॉइंट पे था तो हमने ये बोला था कि नेक्स्ट वीक के लिए हम इसको अपने रडार में रख सकते हैं। तो उसके बाद इसकी ये क्या हुआ कि ये 11% ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद से ये एक पुल बैक बना रहा है। देखिए, जब भी मार्केट कभी भी कोई भी ब्रेकआउट हो या कुछ भी हो तो जो प्राइस जाता है, मैंने पहले हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा फिर थोड़ा पुल बैक बनाएगा फिर ऊपर जाता है। तो एक बार ये ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ से 11% लगभग ऊपर गिर जाने के बाद एक पुल बैक बनाना शुरू किया है। तो जिन लोगों ने मान लीजिए इसमें एंट्री ली होगी तो वो लोग अपनी वो होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कि ये जस्ट फॉर देन एजुकेशनल पर्पस है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है होल्ड करने के पीछे। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन के तौर पर मत लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो ही पूरी एजुकेशनल रहती है। हम केवल स्टॉक्स का डायरेक्शन और उनका चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी जो माइन्यूट चीजें भी आपको जो समझनी चाहिए वो भी मैं इसमें मेंशन करता रहता हूँ। तो ठीक है, उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसमें अगर आप देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे ले जाइए तो देखते ही आपको देखने में मिलेगा कि किस तरह से इसका चार्ट पैटर्न बना है। देखिए, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो प्राइस है सीधे गया है ऊपर। ठीक है, उसके बाद वहां से एक पुल बैक बना रहा है और फिर ये ऊपर जाने की तैयारी में कर रहा है। तो इसी तरह से प्राइस चलता है, ऐसे ऐसे जाता है ऊपर। ठीक है, ऐसे कभी नहीं जाएगा बहुत कि सीधे ऊपर चला गया, बहुत ही रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। तो वही फिनोमिना उसमें चल रहा है अभी, उसमें ऊपर जाने के बाद पुल बैक बना हुआ। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है उनको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई नीचे से वापस फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये एक पुल बैक बन रहा है। और आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऑलरेडी कैंडल बन चुकी है तो इसका डायरेक्शन हो सकता है चेंज हो रहा हो, लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है तो इसको अभी बोल नहीं सकते। लेकिन आप क्लोजली इसको वॉच कीजिएगा, कोई भी कैंडल जब बनती है उसके साथ अगर उसका वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है तो उस कैंडल की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए ये वाला स्टॉक हमने समझ में आ गया कि अभी कैसा चल रहा है और इसमें हमको एक ऊपर जाने का 11% ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पूर्वांकरा हमें इस तरह से पैटर्न शो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख लेते हैं, हमने कौन सा डिस्कस किया था, तो जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था वो था JSW स्टील। अब JSW स्टील में हमको क्या दिख रहा है कि इसमें ऑलरेडी जो मैंने बताया कि ऊपर जाने के बाद, देखिए इस पॉइंट पे कहीं ये पॉइंट पे मैंने बोला था, ये लास्ट कैंडल बनी थी जब हमने डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि इसका जब हाई ब्रेक होगा तो ही आपको एंट्री करनी है। तो उसके बाद आपको दिखा होगा कि यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ होगा, अगर आपने एंट्री कर गया होगा, अगर उस दिन के पहले बीच में अगर एंट्री किया होगा तो डे के एंड में एंट्री किया होगा तो फिर तो ये ब्रेकआउट नहीं था, फिर आपको देख रहा है कि क्लोजिंग उसके नीचे ही होगी। फिर आपको यहाँ 2-3 दिन चांस नहीं मिला होगा और लास्ट डे जब भी आप हाई के बाद इसमें एंट्री ली होगी तो आपको एक अच्छा खासा ये मिला है, मूव मिला है, 2% का मूव है। ये अभी क्या है, इसमें पोटेंशियल है अभी ऊपर जाने का आराम से, क्योंकि देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस ऊपर गया है, नीचे अपना रिटेस्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। अगर इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें कुछ उसी टाइप का रिटेस्ट का वो दिखेगा। देखिए किस तरह से ये रिटेस्ट लिया है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस हमेशा आता है, रिटेस्ट लेता है, एक रिटेस्ट डबल रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ से सीधे ऊपर गया है। तो ये अभी ऊपर जा सकता है, रिटेस्ट ले चुका है और रिटेस्ट लेने से और जो मूव होता है वो कन्फर्म हो जाता है कि ठीक है ये मतलब इसका मूड है और ऊपर जाने का। ठीक है, रिटेस्ट क्योंकि रिटेस्ट क्या कन्फर्म कर रहा है कि ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। रिटेस्ट लेने का मतलब क्या होता है, अगर वो ऊपर से नीचे आ ही रहा था तो फिर नीचे क्यों नहीं चला गया, फिर यहाँ से घूम के ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसको ऊपर ही जाना है। तो वो उसके पीछे काफी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, वो तो हम वीडियो में नहीं सिखा सकते, लेकिन आपको एक हल्का सा मतलब कि आइडिया देते चलते हैं क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, हम तो स्टॉक देखते नहीं, हम तो सीखने के पर्पज से देख रहे हैं ना। तो जो भी चीजें सिखाने लायक है, जो भी चीजें मेंशन करने लायक है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको। ठीक है, तो JSW में आपको समझ में आ गया कि कैसा रहा परफॉर्मेंस, ये भी ऊपर जा सकता है अभी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा देखने को मिल रहा है ये हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में हमने इस पॉइंट पे कहीं देखा था, मैंने बोला था कि अगर ये रिटेस्ट लेके जाता है ऊपर तो वहां से आप एंट्री कर सकते हैं और सेम वही हुआ। इसने ये जो इसका 177 का 177 का जो एक लेवल था वहां पे रिटेस्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर गया लगभग 7.83, लगभग 7.8% आपको बोल सकते हैं कि ऊपर गया है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदुस्तान कॉपर। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स में भी सेम फिनोमेना हुआ है, पहले ही ऊपर गया है
और मैंने बोला कि ये रिटेस्ट लेके फिर आया नीचे, और रिटेस्ट लेने के बाद अभी तक 5% ऊपर गया, और रिटेस्ट ले चुका है ऊपर, एक अच्छा खासा कैंडल बना था इसके, ठीक है डिसेंट कैंडल बोल सकते, रिटेस्ट पे भी बना है तो मतलब ऊपर जाएगा। और देखिए हर बार मैं बोलता हूँ कि एकदम से तुरंत अगर आप स्विंग की बात करो तो तुरंत से आपको मूव नहीं मिलेगा, किसी किसी में मिल जाता है, एक बार टाटा पावर में आपको मिला था ठीक है, तो उस तरह का मूव रेयर होता है, लेकिन आपको थोड़ा होल्ड करके चलना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक एकदम से ब्रेकआउट करेगा तुरंत ऊपर चलता चला जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो यही तो मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना है, पेशेंस ठीक है। तो ये था हमारा पतंजलि फूड्स, इसमें भी हमको 5% दिख रहा है रिटेस्ट के बाद से। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकोर, मैंने लास्ट वीक बताया था, इसमें आपको एक छोटा सा पुल बैक बना है, रिटेस्ट करने तो नहीं आया, पुल बैक बनाने के बाद फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक बना रहा है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेट से 1 आवर पे देख रहे हैं, तो आपको इस तरह से छोटे छोटे पुल बैक दिख रहा है। तो ये मतलब इसमें भी अगर आपने एंट्री ले रखी है तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जब भी हम कैसे रिटेस्ट डिटेक्ट करते हैं, देखिए जब भी नीचे आ रहा है प्राइस, इसमें वीकनेस आ जा रहा है, देखिए आ रहा है ना नीचे, वीकनेस आ जा रहा है, वॉल्यूम में भी वीकनेस आ जा रहा है ठीक है, और जब ऊपर जा रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ रह रहा है। तो यही सब छोटे छोटे इंडिकेशन होते हैं जो मैं आपको बताते चलता हूँ, उसके पीछे आप अगर आप डिटेल में पढ़ने अगर वो करते हैं तो आपको पता ही होगा जिन लोगों ने कोर्स वोर्स किया हुआ है। तो ये था हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन, और लास्ट स्टॉक था हमारा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसमें भी हमें वही देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने कहीं बताया था इस पॉइंट पे कि आपका ये ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट भी होता है, और रिटेस्ट के बाद ये बहुत अच्छा भागा है, बहुत अच्छा मूव दिया है इसने, और इसको मतलब कि इसके हिसाब देखेंगे 8.3% का रिटेस्ट के बाद से, तो अच्छा मूव कहलाएगा। तो ये भी अच्छा मतलब कुल मिला के जितने भी स्टॉक्स थे इन किसी ने भी मतलब वो नहीं दिया अभी तक का हमारा जो तीन मतलब 1 महीने से लगभग, अगर हम अगर देखें हमारे हर स्टॉक्स जितने भी हमने मतलब यहाँ पे डिस्कस किए हैं इस एनालिसिस में, सारे के सारे ऊपर ही जाते हैं, और जिस प्रोसेस से जाना चाहिए, जो भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है ऊपर जाने का, उसी प्रोसेस से जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स, अब चलिए इस वीक के स्टॉक्स देखते हैं। तो इस वीक में जो हमारा पहला कैंडिडेट है वो है आपका टाटा स्टील। आपको पता है टाटा स्टील के बारे में, तो पहले हम इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं कि मैंने इसको क्यों पिक किया है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये 50 EMA है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में, और इस पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस अच्छे होते हैं। अब बहुत लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता, हम एंट्री कब लेते हैं जब हमको कोई क्लियर कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये ऊपर जाएगा, यहाँ अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम वेट कर सकते हैं कि जो उसका प्रीवियस हाई था वो ब्रेक हो जाए। तो ठीक चीज वही सेम चीज हुई है, तो हमने क्या किया है इसको यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है बेसिस ऑफ ये जो 50 EMA है, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया इस जोन के बीच में, ये क्या है हमारा एक डिमांड जोन है ठीक है, तो इस जोन के बीच में हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हम शिफ्ट हो गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि वहां से उस सपोर्ट को लेने के बाद एक कप एंड हैंडल वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, कि मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक ऐसे हैंडल बना रहा है, कप बना रहा है, हैंडल बना रहा है, और उसका भी ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट किस तरह से हुआ है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे अच्छा और ऊपर इसमें बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए ठीक है। और आपको यहाँ पे आप चाहें तो मतलब कि मतलब दो तरह से एंट्री होती है, मैंने बताई दिया है। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया हो कोई स्टॉक, तो आप उसमें इंस्टेंट एंट्री ले सकते हो। अगर थोड़ा ऊपर चला गया है ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन ऊपर चला गया है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए कि थोड़ा उसमें पुल बैक आए या रिटेस्ट ले, हो सकता है हर बार रिटेस्ट ना भी हो, तो जैसे भी अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप रिटेस्ट तक वेट कर लेंगे, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी भी कोई भी अगर ये इस कैंडल के अगर आप हाई पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इसका लो होना चाहिए, कि भाई लो एकदम शार्प नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ तक तो आपको रखना ही चाहिए कि थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देना होता है, क्योंकि एकदम रखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आके कट ही जाएगा, तो आपको ब्रीदिंग रूम देना होता है कि भाई उसके एक कैंडल नीचे रख लो ठीक है। तो ये क्योंकि हम स्विंग की बात कर रहे हैं, तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक क्या है, आज हमारे पास स्टॉक्स भी थोड़ा ज्यादा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एम्फेसिस ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। इसका भी हम पहले वीकली पे इसका हम वो देख लेते हैं, वीकली पे हमें सेम चीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है कि वही 50 EMA का जो एक डिमांड जोन है वहां पे पहले ऑलरेडी ये एक सपोर्ट ले चुका है, और वहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और अच्छा खासा पिछले जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है। और वही अगर हम डे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट होकर देखते हैं तो हमको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, और जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, और इसमें अभी भी बुलिश मूवी था, दो दो अच्छा खासा मतलब कि इसके रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दिन कैंडल मतलब कि क्लोजिंग दे चुकी है, दो दो कैंडल्स की क्लोजिंग हो चुकी है।
तो ये अपने आप रडार में रख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि दो तीन तरीकों से एंट्री हो सकती है, वो आपने देख लीजिएगा, अपने अपने हिसाब से आपको देखना होगा। और मैंने आपको स्टॉप लॉस का भी क्लियर कर दिया है, तो अब इसको इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अब सीधे मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया का, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया का मैं पहले वीकली आपको दिखा देता हूँ चार्ट। इसमें हमको साफ देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे इस जोन पे इसने ये लिया और काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पे ये पिछले जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का दिख रहा है, एक राउंडिंग बॉटम बनाता दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। लास्ट ब्रेकआउट जब भी हुआ था ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। एक चीज और होती है, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी बहुत बड़ा अगर कैंडल बन जाए ना अगर ब्रेकआउट पे, तो एक दो दिन मार्केट ऐसे रेंज में भी रहता है वहां पे। तो उससे भी आप लोग थोड़ा, मतलब कि ये आइडिया दे रहा हूँ, उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। जब तक उस कैंडल का बहुत बहुत ही लो चांसेस होते हैं कि उस कैंडल का लो कभी ब्रेक होगा, अगर अच्छा खासा कैंडल बन चुका है तो। इसीलिए अब अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है और आपने मान लीजिए एंट्री ले ली, एक कैंडल, एक बड़ा सा कैंडल देख के आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जाएगा वो, मतलब एक बात बता रहा हूँ, उसके कैंडल के हाफ तक जाएगा, वहां से एक पुल बैक बना के ऊपर जा सकता है अगर बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है तो। और कभी कभी रीटेस्ट होगा तो उसके लो के नीचे नहीं जाएगा, वहां से फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो मैं आपको प्रोसेस ही बता सकता हूँ। एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेना है वो तो आपको डिसाइड करना होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास जुबिलेंट फार्मा का, फार्मोवा, ठीक है। ये जुबिलेंट फूड नहीं है, तो आप ध्यान से स्पेलिंग देख के ही सर्च मारिएगा। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, पहले तो हम अपने इसका वीकली चार्ट स्विच करके देखते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसा मैं अभी बाकी हम दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, मैं आपको देखूंगा। एक शेकआउट है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग दिया है जो कि आपका ये जो डिमांड जोन है आईवीएमए का, हाई और लो का, उस पर इसने क्लोजिंग दिया है, मतलब ऊपर जाके क्लोज हो गया और यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर का अपना मतलब कि आगे मूवमेंट कर रहा है, इसकी जर्नी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक चीज जो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे क्या दिखता है कि एक शेकआउट आया है इसमें, बहुत शार्पली ये नीचे गया है, ठीक है। जो एक फेक ब्रेकआउट, शेकआउट जो भी बोलते हैं, शेकआउट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन तुरंत उसको एक रिकवर कर गया है, ठीक है। तो इसको शेकआउट बोलते हैं कि शेक आ गया, कभी कभी प्राइस में होता है। तो शेकआउट आने के बाद लेकिन फिर से इसका जो एक्चुअल जो सपोर्ट था वो यही था, लेकिन वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया लेकिन तुरंत वापस आ गया, तो इस चीज को हम लोग शेकआउट भी बोलते हैं। तो यह जो सपोर्ट था वहां से ये फिर ऊपर गया है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना के, और इसका भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है अच्छे उसके साथ। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया बाकी स्टॉक्स के लिए वैसे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोफोर्ज लिमिटेड का। तो कोफोर्ज का हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है इसका। तो हमको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक तो ये बड़ा सा कप एंड हैंडल बना रहा है, ठीक है, वीकली लेवल पे भी इसका कप एंड हैंडल बन रहा है, और उसके साथ ही साथ इसने जो प्रीवियस इसका जो सपोर्ट था वो कहाँ पे था, यही जो हमारा एक डिमांड जोन, हमने एक डायनेमिक सप्लाई और डिमांड जोन हम जो क्रिएट करते हैं 50 EMA से, उसके पास से ही इसने एक सपोर्ट लिया, अच्छा सा एक उसमें ये बना है, हमको हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, और वहां से ये प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये जो इसका जो ये था यहाँ पे ही आपको देखने को मिल रहा था, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसी के इस लेवल के अराउंड था, और ये थोड़ा महंगा स्टॉक भी है तो अपना देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि प्राइस ब्रेकआउट करके प्राइस दो बड़ा बड़ा अच्छा कैंडल ऊपर बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर वेट कर सकते हैं किस चीज के लिए, एक पुल बैक के लिए। अगर प्राइस बहुत ऊपर चला गया है तो रिटेस्ट करने शायद ही यहाँ आएगा, लेकिन बीच में पुल बैक जरूर बनाएगा। तो आपको जहां भी पुल बैक दिखे वहां पे पुल बैक के बाद आप एंट्री ले सकते हो, तो वो आप देख लीजिएगा, अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉक हमने बता दिया है, अब लास्ट स्टॉक हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो लास्ट स्टॉक है हमारा जेनसार टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसका भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये 50 EMA से काफी ऊपर ही इसने एक सपोर्ट ले लिया है। कहाँ सपोर्ट लिया है, तो होता क्या है कि कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है ना, तो बहुत सारे जो मतलब कि स्टॉक्स होते हैं वो 20 EMA पर ही अपना सपोर्ट लेने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा काम करेगा, इसमें हमको क्या दिख रहा है कि 20 EMA पे ये सपोर्ट ले रहा है। 50 EMA नॉर्मल अपट्रेंड होता है, एक मतलब एक हेल्दी अपट्रेंड जिसको बोलते हैं, वो आपका 50 EMA पे ज्यादातर सपोर्ट लेता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है तो वो 20 EMA। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिख रहा है हमको जेनसार टेक्नोलॉजीज में, इसने 20 EMA पे एक ये लेके वीकली लेवल पे ये इसका ये है क्या बोलते हैं सपोर्ट है। उसके बाद अगर हम ऊपर गया है तो उसके बाद हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें कप एंड हैंडल देखने को मिल रहा है,
ठीक है, और उस कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो चांसेस अच्छे हैं इसमें भी। आप अपने इसको मतलब कि वॉचलिस्ट में डाल सकते हैं, और जैसे मैंने बताया अलग अलग तरीकों से, जैसे भी आपको एक सही सब लगता है वैसे वो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीक के लिए यही सारे स्टॉक्स थे हमारे पास जो कि डिस्कस करनी है हमने, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए धन्यवाद।